तो मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने हमने, कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने हैं, कानून रहेंगे, ओपीएल रहेगा। और मैं यहां तक कहूंगा 25 लाख का बीमा हमने किया है, आप क्यों नहीं करो केंद्र में? जिस वर्कर एक्ट का हमने कानून बना दिया, आप क्यों नहीं बना रहे हो? केंद्र की जिम्मेदारी हमसे बड़ी होती है। ओपीएल में लागू किया, ओपीएल लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो मजाक बना रखी है। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में तो ओपीएस, और बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस। हाईकोर्ट के जुडिशियल कमीशन ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे एनपीएस को, ओपीएस रखेंगे। लोअर कोर्ट वाले एनपीएस के अंदर, अभी मैंने फैसला किया है जाता नहीं उनका ओपीएस, चाहे हाईकोर्ट जजेस हो चाहे लोअर कोर्ट जजेस हो, सबको एक समान कर दिया हम लोगों ने। ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है एनपीएस गलत है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है, सीएनएजी कह रहा है, अभी तक नियम कायदे बने नहीं उसके। तो क्या जो कर्मचारी है 35 साल की नौकरी करता है, जो बुढ़ापे के अंदर उसका अधिकार नहीं, वो सिक्योरिटी फील कर सके? ये मानव दृष्टिकोण था हमारा। कहे प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार आएगी तो राजस्थान में ओपीएस लागू रहेगी, कानून बनाए हमने वो लागू रहेंगे, वेलफेयर स्कीम ने लागू की वो लागू रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का कहना चाहिए।